हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सो अभी देखिए, हम लोगों ने मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर मैंने 5 वीडियोस को कवर किया था। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हर एक यूनिट में हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा करके देख लो। वो पुराने वीडियोज़ जरूर हैं लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, करीब 20-22 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, उसके बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर दोनों लोगों का मीनिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला तो जो बात आती है वो आपसे ये देख लो कि यहाँ पर जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम क्या, यानी कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स दो वर्ड्स मिलकर के बनाओ। मैनेजेरियल मतलब एक अलग, मैनेजमेंट के जो भी आपके फंक्शंस होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जिसको आप बोलते हो। देन इकोनॉमिक्स एक अपना अलग सब्जेक्ट है, ये इसकी अपनी एक अलग ब्रांच है। तो यहाँ पर इसका मतलब पूछा गया कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर अपने स्लाइड्स, जो भी हमारी पुरानी स्लाइड है, उसमें दिखा देता हूँ कि मैंने सब चीज़ों को अच्छे से बताया था कि जो भी हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो ये होता है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी ह्यूमन की नीड्स हैं वो क्या है, डे टू डे चेंजेस होती रहती हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। जैसे आज हमारे पास में कुछ नहीं है तो कल को मुझे साइकिल चाहिए, फिर मुझे बाइक चाहिए, फिर मुझे कार चाहिए, इस तरीके से हमारी नीड्स हैं वो बढ़ती रहती है। लेकिन हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास में जो पैसा है, वो तो लिमिटेड है ना। तो उस जितना हमारे पास में पैसा होगा वही तो हम खरीद पाएंगे। कि ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने सपना देखा कि हम कार ले लें, हमारी नीड तो कार लेने की है बट हमारे जेब में पैसे नहीं है। तो इस यदि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हमारे पास में अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। यानी कि अगर हमारे पास में कम पैसे हैं तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें, हम उस तरीके से, यानी साइकिल ही खरीद करके काम चलाएं जिससे हमको पैदल तो ना चलना पड़े एटलीस्ट, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, तो प्रॉब्लम आती है वो ये आती कि हमारे पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे ह्यूमंस की अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर यही बताया जाता है कि एक तरीके की साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि हमको ये चीज बताती है कि किस तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर को सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हमको इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब आप समझ गए होगे, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशन, ये सभी आई थिंक बताने की मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अंदर डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने सभी ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है, और वीडियो नहीं तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया। कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का, देखो अभी हमने पहले किसका मतलब समझा, इकोनॉमिक्स का मतलब समझा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यहाँ जो हमारा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स वो होता है, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है ना, जो अभी हम पढ़ करके आए, यानी कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, थ्योरी है, वो हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। तो उस थ्योरी को हम कैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे हम अप्लाई करते हैं, इन दोनों को कैसे सिंक करते हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। तो यानी कि ये चीज़ यहाँ पर ये बताया जाता है कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स ये है कि सिंथेसिस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस मैनेजमेंट इज नोन एज द मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको हम जब भी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे पास में लिमिटेड ही चीज़ें होती हैं बिजनेस में, लाइक हमारे पास में लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड मशीन्स है, लिमिटेड रॉ मटेरियल है। तो हमारे लिमिटेड चीज़ों के अंदर हम किस तरीके से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, कि कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर हम फोकस करते हैं। तो यही जो इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी है उसको हम बिजनेस वर्ल्ड में इंप्लीमेंट जब भी करते हैं तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की दोस्तों दो ब्रांचेज होती हैं, यहां पर बताया गया है, बता देता हूं कि दो ब्रांचेज होती हैं इकोनॉमिक्स की, यहां पर माइक्रो और मैक्रो। ठीक है,
ये सभी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग पढ़ लेना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोग पढ़ लेना। लिमिटेशन बहुत ही बार पूछा गया कि लिमिटेशन क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी देख लो यहाँ पर कि जो भी दो तरीके का होता है यहाँ पर, यानी कि जो भी इसके ब्रांचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का क्या मतलब होता है, जब भी छोटे लेवल की हम बात करते हैं, जब भी हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, केवल एक बिजनेस की बात करते हैं, उसमें अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया माइक्रो। और मैक्रो का क्या मतलब हो गया, जब हम पूरे नेशन की बात करें, जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें क्या हो गया कि जब हम लार्ज ग्रुप की बात करें, होल इकोनॉमिक की बात करें, तो ये क्या हो गया मैक्रो। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया। देन आपका सेकंड, आपसे इस तरीके से दो नंबर में पूछा जा सकता है कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ। तो ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है दो क्वेश्चन ऐड करके, तो आप उसके हिसाब से तैयार रहो। तो इकोनॉमिक्स में क्या बताया जाता है कि किस तरीके से फोकस्ड ऑन द, जैसे मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये क्या है इकोनॉमिक्स है। और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी को बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करते हैं, सिंक करते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी बेसिकली जो भी डिफरेंस है आप वो डिटेल में अच्छे से समझ लो, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो आप जो भी पीपीटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा वहाँ पर से आप मैसेज करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारे बेसिकली यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। देखो हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं, जो भी यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया, ये दो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, मीनिंग नेचर स्कोप पढ़ लिया, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूछा जाए या फिर टूल पूछा जाए, कुछ भी अगर पूछ ले मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के, तो आपको एक ही सेम आंसर लिखना है, फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल की जब भी बात आती है तो आपको फाइव प्रिंसिपल्स हमेशा याद रखने, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम एक अपॉर्चुनिटी के बदले, यानी कि हमारे पास में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारे पास में दो डिसीजंस होते हैं, हमारे पास में बहुत सारे हमको हमारे पास में कई सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि अगर MBA के बाद में मुझे दो कंपनियों में जॉब मिली, एक कंपनी हो गई मान लो एक्स, दूसरी हो गई वाई। एक मान लो कि एक्स जो कंपनी है उसमें हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन वो हमारे घर से दूर है, वाई कंपनी एक ऐसी है जो कि मान लो कि हमारे घर के पास में है लेकिन वो कम पैसा दे रही, तो हम अगर मान लो कि अपने घर की पास वाली कंपनी चूज़ कर लें, कंपनी वाई चूज़ कर लें, तो हमने एक्स वाली को छोड़ दिया, तो उसको हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, उस अपॉर्चुनिटी को हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या बोला गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि सेक्रीफाइस ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एनी डिसीजन, यानी कि जो भी हम डिसीजन को कोई भी छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी दूसरे के लिए, तो उसी को क्या बोला गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, देन इसके बाद में सेकंड आता है इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया कि जब भी हमारा जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू को क्या होना चाहिए, हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर हम 100 रुपये की लागत लगा करके कोई चीज़ बना रहे हैं और हम 150 रुपये उसमें कमा रहे हैं, यानी कि 50 रुपये कमा रहे हैं, 150 रुपये मान लो बेच रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, सपोज़ दैट कि अगर हम यहाँ पर 100 रुपये की कोई चीज़ लागत लगा करके, कॉस्ट लगा करके 150 में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कितने का फ़ायदा हुआ, 50 का फ़ायदा हुआ है ना। तो अगर मान लो कि हमारा रॉ मटेरियल बढ़ जाए, तो मान लो हमारा रॉ मटेरियल बढ़ गया, मान लो 120 का हो गया, तो हमारे 20 रुपये तो बढ़ गए ना, तो अब भी हम क्या 150 रुपये में बेचेंगे, नहीं, हम भी तो अपना बढ़ाएंगे, तो हम अपना कितना बढ़ाएं, तो हम करीब 180 रुपये बढ़ा दें, है ना, 180 रुपये बढ़ाएं, नहीं तो 170 तो बढ़ाएं ही बढ़ाएं, है ना, तो तब
जो कि हमको यहाँ पर 60 रुपए का फायदा हो रहा है, तो यानी कि जो भी हमारा रेवेन्यू है वो कॉस्ट से हमारा ज्यादा बढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से जो रेवेन्यू है, अगर कॉस्ट हमारी जो डिक्रीज हो रही है तो रेवेन्यू से कम होना चाहिए, जो रेवेन्यू है वो हमारा कम डिक्रीज होना चाहिए कॉस्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया है, तो ये बेसिकली दो प्रिंसिपल हो गए। इसके बाद में तीसरा प्रिंसिपल है कि टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि टाइम का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट कि अगर आज जो हमारे पास में 100 रुपए का नोट है वो हमारे पास में कल 100 रुपए का नोट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो मान लो कि 100 रुपए की नोट की जो भी वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। जैसे हम पहले के समय में 500 रुपए में कितनी सारी चीज़ें ले आते थे, लेकिन आज के समय में 500 रुपए में बहुत कम चीज़ें आती हैं। तो ये क्या मतलब होगा कि बिजनेस फर्म शुड टेक एनी डिसीजन ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द एफर्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट रन। तो ये चीज़ बताया गया है कि नहीं, यहाँ पर गलती हो गई दोस्तों, सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी। ये टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल अलग है, मैंने डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिया। मतलब डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू जो भी कॉस्ट होते हैं ना वो क्या होता है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम पड़ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने क्या बताया कि 100 रुपए का जो आज वैल्यू है वो पहले से कम है, यानी कि अगर हम आज 500 रुपए का जो भी सामान लेकर के आ रहे हैं वो कम लेकर के आते हैं कंपेरिजन टू द आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हम 500 रुपए में काफ़ी सारी चीज़ें ले आते थे। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। जबकि टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया जाता है आपको, इसमें आपको ये बताया जाता है बेसिकली कि जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उसको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो दो चीज़ों के बेसिस पे लेने होते हैं। उसको देखना होता है कि जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो उसका लॉन्ग टर्म में क्या होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो शॉर्ट टर्म में कितना होगा। तो जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस प्रोसेस है, मान लो कि अगर वो क्या कर रहा है कि आइडल टाइम, जो आइडल टाइम का क्या मतलब होता है, जितनी देर में एम्प्लॉयज इधर उधर करते हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, पानी इधर उधर खड़े होकर के कैंटीन जा रहे हैं, तो ये आइडल टाइम में वो क्या कर सकते हैं, उसने देर में कुछ ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो उस बिजनेस को इस तरीके का कुछ भी ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो लोग ज्यादा काम कर सकें। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि उनको लॉन्ग टर्म का यहाँ पर डिसीजन देखना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए कि उनका उसमें तो कुछ नहीं ज्यादा, ना उसमें उनकी अलग से उनको एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ रही, ना अलग से उनको रेंट पे करना पड़ रहा, ना कोई वेजेस देना पड़ रहा है, और इसके अलावा उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मिल रही है, ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनको देनी पड़ रही है, बल्कि इनको क्या मिल रहा है, अगर वो ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं कि जो भी इम्प्लॉयज़ हों बहुत ज़्यादा नो कि बहुत ज़्यादा मटर गस्ती ना करें, इधर उधर बार बार इधर उधर ना जाएं और अपने काम के ऊपर फोकस करें, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल बिजनेस की ही ग्रोथ होगी। तो ऐसा अगर वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन को देख करके लॉन्ग टर्म को देख करके ही बनाया जाता है। तो ये हो गया टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। देन इसके बाद में फिफ्थ नंबर पर क्या आता है कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल में क्या बात बताई जाती है, सबसे पहले तो ये समझ लो जो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी इसका नाम पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि सपोज दैट कि आपके दो बिजनेस चल रहे हैं, या फिर आपकी दो कोई एक्टिविटीज़ हैं, सपोज कि एक में आप अच्छा खासा कमा रहे हो, सपोज आपका एक बिजनेस ए है और दूसरा बिजनेस बी है। एक बिजनेस ए में आप क्या कर रहे हो, मान लो कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, और बिजनेस बी में आप क्या कर रहे हो, मान लो कि 80 रुपए कमा रहे हो, है ना। दोनों आपके बिजनेस ठीक ही रन कर रहे हैं, अच्छे रन कर रहे हैं, बस एक में आपका ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, एक में थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे अगर फ्यूचर में, तो वो ए में करोगे कि बी में करोगे, आप खुद सोचो। आप ए में करोगे, है ना, आप ए में करोगे जा करके, क्योंकि उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसमें हम मतलब कि हमको सेटिस्फेक्शन पूरा मिल रहा है, जितना हम चाहते थे वहाँ उतना पूरा मिल रहा है, तब जा करके आप क्या करोगे, देन उसके बाद में बी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो जब ए में पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा तभी आप बी में करना स्टार्ट करोगे। तो इसी को क्या बोला गया, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको डायग्राम से मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर देखो उसको प्रॉपर इसका वो भी बना हुआ है, जो इसको बोलते हैं ना ग्राफ, तो ग्राफ भी बना है। तो ऐसे पूछा जाता है, उसका ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, तो उसको बना करके आ जाना, प्रैक्टिस कर लेना अपनी कॉपी पेन से। तो ये चीज़ है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर हम लोग। इस तरीके से हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। तो अभी हम लोगों ने
फर्स्ट और थर्ड जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन दोनों को कर लिया। अब हम फिफ्थ फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में क्या पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी की थ्योरी बताओ, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, ये इस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है बहुत ही, हम इसको इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते, बीच का यानी बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ा कम भी इंपॉर्टेंट है, आता भी है थ्योरी ऑफ डिमांड, तो मतलब इस तरीके से पूछा जाता ही है। थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ बाद में देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक ही का क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ इसको इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट और आइटम टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जैसे कि यानी कि कितना कोई आदमी को सेटिस्फाई कर सकता है कोई प्रोडक्ट, जैसे कि सपोज दैट कि अगर हम बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि तीन चीज़ें क्या हैं, बेसिक हैं, अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको ये तीन चीज़ें तो चाहिए, बाकी तो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं, जैसे कि हमको पानी है तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, खाना पकाने के लिए तो मिलेगा ही, आग जल जल मतलब खुद वो तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आ जाती है, तो ये सभी चीज़ें तो एक अलग होगी। तो यानी कि जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं जिसको जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि अगर बात किया जाए तो अगर दो चार पाँच दिन अगर हम भूखे रहें उसके बाद में हमको केवल एक सेब खाने को ही मिल जाए, एक सेब खाने के लिए जाएगा, तो हम हमारा उसका यानी कि एक सेब की वैल्यू हमारे लिए कितनी ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना, तो वही हमारी क्या बोली गई, यूटिलिटी बोली गई, यानी कि उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी बोल रहे हैं, क्योंकि वो सेब हमारी, वो एप्पल जो है वो हमारी ह्यूमन नीड्स को हम उसको सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर हम दो चार पाँच दिन भूखे रहें तो हमको क्या लैपटॉप और फ़ोन चलाना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, तो यानी कि जो भी हमारी जो हमारा फ़ोन की यूटिलिटी है, लैपटॉप की यूटिलिटी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो एक एप्पल की यूटिलिटी है जब हम दो चार पाँच दिन भूखे रहेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो इसी को क्या बोला गया है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट और आइटम टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिसके ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई होती है, और वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है किसी ह्यूमन के लिए, इसी चीज़ को क्या बोला गया, यूटिलिटी बोला है। तो फीलिंग ऑफ प्लेजर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, यानी कि इसी को हम बोलते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसके दो वेज हैं मेजर करने के, कार्डिनल और ऑर्डिनल, इस तरीके से पूछा जाता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी की जब भी बात आती है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वन यूनिट ऑफ मनी, यानी कि वन यूटिल्स, ये क्या बात तो करता है कि वन यूटिल्स बराबर वन यूनिट ऑफ मनी के बारे में बताता है। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, ऐसे इस तरीके से देख लो, जैसे मान लो कि चार दिन भूखे रहे उसके बाद में हमने एक एप्पल हमको अगर दिख गया, खाने के लिए मिल गया, तो वो हमारी जो हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस थी वो क्या होगी, मान लो दस यूटिल्स हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो 10 यूटिल्स की थी, यानी कि 10 यूनिट ऑफ मनी, यानी कि वो क्या थी, 10 यूनिट ऑफ मनी। तो ये चीज़ हो गया। देन हमने एक सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तो हमारी उसके जो भी यूटिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, मान लो 8 बची। फिर तीसरा खाया तो थोड़ा सा और भूख कम हो गई, तो हम उसकी थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस कम हो गई, तो वो 7 हो गई, 6 हो गई, 5, 4, 3, 2, 1। फिर उसके बाद में निगेटिव में बहुत सारे खा लोगे एप्पल तो कितना वॉमिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी कि वो माइनस में भी जाने लगेगी यूटिलिटी। तो ये चीज़ होती है कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं कि वन यूटिल्स बराबर वन यूनिट ऑफ मनी, इस तरीके से हम इसको करते हैं डिफाइन। देन इसके बाद में दोस्तों क्या है कि यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात बताई गई। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या करते हैं कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उसको लेस देन और इस तरीके से कंपेयर करते हैं, जैसे सपोज दैट कि फ़ोन क्या है, फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैपटॉप से, और लैपटॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीविज़न से, है ना, यानी कि फ़ोन नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, लैपटॉप नहीं हो तो भी काम चलेगा नहीं भी चलेगा, और टेलीविज़न तो वैसे भी मतलब बहुत ही कम लोग आजकल इतना ज़्यादा नहीं भी देखते, जो जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है तो थोड़ा ज़्यादा टेलीविज़न को देखते हैं। तो ये चीज़ बताया गया। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, लेस देन और ये मोर देन और लेस देन का इस तरीके से सिंबल लगा करके हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में। तो दिस इज नोन एज द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऐसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है कि टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से पूछा जाएगा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बीच में डिफरेंस बताओ, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि
इन सभी चीज़ों को छोड़ दो, इसको मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में पहले ही बता दिया है, तो सब यहाँ पर देख लो आप लोग, थोड़ा इस जगह पर देख लो। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले आनी चाहिए। तो इधर ये वाली जो चार्ट बनी हुई, ये टेबल जो बनी है उसमें देखो, ये क्वांटिटी को ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वांटिटीज़ को लेते हैं। क्वांटिटीज़ में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस वाले को अभी हम काट देते हैं, इसको मत देखना, ठीक है, इसको छुपा लो, इसको मत देखो। ये टोटल है, टोटल यूटिलिटी है जो कि अभी इसके बाद में लिखी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, सपोज दैट कि जब जीरो हमको, जब हमने कोई भी प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम किया तो उसकी तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो ही रहेगी, लेकिन जब हमने पहला एप्पल खाया तो हमारे लिए मान लो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी, 7 थी। उसके बाद जब दूसरा एप्पल खाया तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, 3 हो गई। तीसरी बार में खाया तो फिर और कम हो गई, चौथी बार में खाया तो और कम हो गई, पांचवी बार में खाया तो फिर हमारी जीरो हो गई। उसके बाद में फिर हमारी माइनस पे जाने लगी है ना, -1, -2, क्योंकि अब हमारी वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो आई होप कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि जब हमने कोई प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, देन एक खाया तो 4 थी, देन उसके बाद में दूसरा खाया तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई तो 3 हो गई, 2 हो गई। अब हमको जब भी बात करनी है टोटल यूटिलिटी की, तो हम टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी हम किस तरीके से निकालेंगे, हमको ये चीज़ देखनी है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, कि फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले को ऐड कर दें। जैसे कि यहाँ पर देखो, जीरो में 4 को ऐड किया, जब हमने जीरो था तो जीरो को वही ऐड किया, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, है ना। देन इसके बाद में जीरो और 4 को ऐड किया तो यहाँ पर 4 आया। देन उसके बाद में हमने क्या किया, 4 और 3 को ऐड किया तो 7 आ गया। देन इसके बाद में 3 और 2 को ऐड कर दिया, जो हमारे पास में यहाँ पर 7 था, तो 7 को हमने क्या किया, 7 को साथ में हमने क्या कर दिया, आगे के 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 7 + 2 9 हो गया। उसके बाद में 9 के साथ में हमने आगे के 1 को ऐड कर दिया तो 10 हो गया। उसके बाद में 10 के साथ में 0 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से देख रहे हो ना, तो टोटल यूटिलिटी का यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि हमको क्या करते जाना है, बेसिकली नीचे वाले को ऐड करते जाना और ऊपर वाले को ऐड करके उसको घटाना नहीं, जो भी हमारा ऊपर वाला नंबर आया उसके साथ में नीचे वाले को ऐड कर देना है, जस्ट नीचे वाले को ऐड कर देना। तो इससे हमारी क्या निकल करके आएगी, टोटल यूटिलिटी निकल करके आएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब इस चीज़ को एनालाइज करो, अब इस चीज़ को एनालाइज करो। देखो कि यहाँ पर देखो कि सबसे पहला ये जीरो था, फिर 7 हो गया, फिर उसके बाद में 4, 7, 9, 10, 10, 9, 7, यानी कि ये भी, जब ये भी क्या हो रही है कि धीरे धीरे क्या हो रही है कि घटना स्टार्ट हो गई है ना। इस पॉइंट पर क्या है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर आप पुराना वीडियो देखोगे जाकर के तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो और भी कहीं से कोई भी वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हो आप जाकर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो 3 तरीके की स्टेजेस आपके यहाँ पर डिवाइड हो गए, कौन कौन से डिवाइड हो गए यहाँ पर देखो, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना, 4, 3, 2, 1, तब तक क्या हो रहा था कि ये भी आपका क्या बढ़ रहा था, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और जब आपका यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी था वो क्या था, मैक्सिमम था, तो वो क्या था आपका, पॉइंट जीरो था। और जब आपका यहाँ पर डिक्रीज होना टोटल यूटिलिटी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ये माइनस में जाने लगा। तो इसमें इसमें रिलेशनशिप पूछता है और रिलेशनशिप के बारे में ग्राफ भी बनाने को पूछता है, तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा ऐसे ध्यान रखो। जब भी ग्राफ बनाना है तो हमने किस तरीके से यहाँ पर पूरा बनाया, इस तरीके का ही बनाया ना, तो यही चीज़ जो भी टोटल यूटिलिटी इधर किया है ना, 0, 4, 7, 9, 10, 10, 9, 7, वही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखी हुई, तो इस वजह से ही मैंने इसको पहले छुपा दिया था। तो टोटल यूटिलिटी की, जब भी हमको मार्जिनल यूटिलिटी पता हो और हमको टोटल यूटिलिटी निकालनी हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और अगर हमको टोटल यूटिलिटी पहले ही पता हो और हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो हम उसमें माइनस कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमको 4, 4, 7, 9, 10, 10, 9, 7 इस तरीके से लिखा हो पहले से ही, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 में से 7 जो भी हमारे पास में यहाँ पर देखो क्या आया, हमारे पास में यहाँ पर
जीरो में से तो कुछ नहीं घटेगा तो जीरो ही था, देन इसके बाद में फोर में से जीरो घटाओगे तो फोर आ जाएगा, देन इसके बाद में सेवन में से फोर घटाओगे तो थ्री आ जाएगा, देन इसके बाद में नाइन में से क्या घटाओगे, नाइन में से सेवन को घटाओगे यानी इसके ऊपर वाला घटाओगे, नाइन में से सेवन घटाओगे तो टू आएगा, टेन में से नाइन घटाओगे तो वन आएगा, टेन में से टेन घटाओगे तो जीरो आएगा। तो इस तरीके से टोटल दिया हो तो मार्जिनल किस तरीके से निकालना है ये भी आपने सीख लिया, और कैसे अगर मार्जिनल दिया हो तो टोटल कैसे निकालना है, टोटल यूटिलिटी किस तरीके से निकालना है ये भी आपने सीख लिया। अब इसका ग्राफ भी देख लो कैसे बनाया जाता है, जब भी देखो जब भी यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है तो इस तरीके से देखो जा रहा है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से बन रहा, और जब भी मार्जिनल की बात हो रही है तो वो क्या हो रहा है कि मतलब कि ज़्यादा से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही थी और धीरे से निगेटिव में चली गई थी। तो यहाँ पर हमने इसको दो तरीके से देख सकते हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया इसके बीच में क्या रिलेशनशिप आप देख रहे हो, तीन तरीके से आपको तीन रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जब तक आपका टी यू था, टी जब तक जो आपका जब तक आपका एम यू था वो बढ़ रहा है, जब तक आपका एम यू था वो डिक्रीज हो रहा, सॉरी जब आपका एम यू था वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखो 4, 3, 2, 1 डिक्रीज हो रहा, तब तक आपका टी यू क्या हो रहा है, टी यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये देखो यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा हुआ है तीनों के बीच में, जब टी यू इंक्रीज होता है सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, और एम यू इज जीरो यानी कि MU क्या है, MU क्या है इज जीरो सो लॉन्ग, सॉरी MU इज जीरो TU इज मैक्सिमम। जब MU क्या होता है जीरो होता है तो क्या होता है TU मैक्सिमम पे होता है, और व्हेन MU इज जीरो, सॉरी यहां पर देखो क्या है कि व्हेन MU इज, एक मिनट इसको यहां पर से हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर अब देखो क्या लिखा है कि व्हेन MU इज निगेटिव, व्हेन MU इज निगेटिव, जब ये MU क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है तो TU स्टार्ट्स डिमिसिंग, तो TU क्या हो गया घटना स्टार्ट हो गया। तो यही चीज़ तो ग्राफ में, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी गई है, बस कुछ नहीं इसका आप अच्छे से देख लेना, इसको ग्राफ को आप बनाना अच्छे से सीख जाना, ठीक है इसको प्रैक्टिस कर लो एक दो बार सीख तो आपको मतलब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ है रिलेशनशिप, काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको रिलेशनशिप पूछा जाता है, रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट, इसको नहीं इसको स्किप करना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाता है और सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस की। तो हमारे यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोगों ने देख लिया, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी देख लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिमांड्स एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल्स, देन इसके बाद में एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके, उसकी थ्योरी बताओ, उसके बारे में बताओ, डिमांड के बारे में बताओ, डिमांड फैक्टर, डिमांड फंक्शन के बारे में बताओ, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व के बारे में बताओ, और उसकी शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, ये सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डिमांड वाला, और ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, तो देख लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं यहाँ पर डिमांड के बारे में। डिमांड का क्या मतलब होता है कि डिमांड का मतलब सिंपली आप ये समझो कि डिज़ायर टू एक्वायर, यानी कि डिमांड वही होती है जैसे जिसकी भी हमको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, सिंपली इंक्रीज होगी। तो विलिंगनेस टू पे फॉर इट और देन एबिलिटी टू पे फॉर इट, यानी कि डिमांड तभी, डिमांड्स में मतलब डिमांड में सारी चीज़ें इंक्लूडेड, डिमांड का मतलब क्या होता है कि हमको मतलब उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है, डिज़ायर टू एक्वायर इट यानी कि हमारे पास में डिज़ायर भी होनी चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, यानी कि अगर हमारे पास में फ़ोन नहीं तो हमको फ़ोन ख़रीदने की डिज़ायर भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे फ़ोन लेना है, देन उसमें उसके केवल ऐसी डिज़ायर ही नहीं होनी चाहिए, उसके लिए विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी ये चीज़ उसकी होनी चाहिए कि हमको उसके लिए पेमेंट भी देनी है, और साथ में हमारे पास में पेमेंट यानी जेब में पैसा भी होना चाहिए उसके पेमेंट के लिए, तभी जा कर के जो भी डिमांड होगी वो कंप्लीट कही जा सकती है। तो डिमांड के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो अभी देखो टाइप्स ऑफ डिमांड पूछा जाता है, तो इसमें आपका आता है कि इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डायरेक्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले बता चुका हूँ, ज्वाइंट डिमांड क्या होती है,
कंपोजिट डिमांड बताओ, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिमांड, ये सभी चीज़ों को देख लेना। देन आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो डिटर्मिन यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर बता कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइस बढ़ना, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस को बढ़ना, इनकम बढ़ जाना, कस्टमर की वेल्थ, वेदर कंडीशन, यानी वेदर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी देख लेना। आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने की जरूरत है। देन इसके बाद में ये पूछा जाता है कि डिमांड फंक्शन के बारे में बताओ। डिमांड फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो भी हम लोगों ने डिमांड के फंक्शंस देखे ना, डिमांड के फंक्शंस के अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं, यानी इसके अंदर जो भी फंक्शंस का क्या मतलब हुआ कि, तो उसमें बेसिकली यही बात करी जाती है कि इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं इस चीज़ के बारे में। देन इसके बाद में आपसे डिमांड शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है। जब भी शेड्यूल के बारे में पूछा जाए तो उसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक अच्छी सी चीज़ समझ लो, बहुत ही एकदम मतलब इंपॉर्टेंट सी चीज़। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, मतलब किसी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ते हैं, यहाँ पर प्राइस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड हो गया। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, और जब भी किसी चीज़ की प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट कि अगर जो आलू है वो अगर 20 रुपये किलो है, तो अगर हम आलू जो है वो 20 रुपये किलो है तो उसकी डिमांड, उसका प्राइस क्या है, मान लो कमी है ना, 20 रुपये में तो सब लोग आराम से ख़रीद सकते हैं। तो 20 रुपये की अगर है उसकी, यानी कि उसका प्राइस 20 रुपये है, तो यानी लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर सपोज़ दैट कि आलू जो है वो 40 रुपये किलो हो गया है ना, उसकी प्राइस बढ़ गए, तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो लोग आधा किलो खरीदेंगे, कहीं एक किलो खरीदेंगे, वो लोग दूसरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर देंगे, यानी उसको डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बट इसके कुछ एक अजम्पशंस भी हैं, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही चीज़ बताई गई, अगर देखो जब भी उसका प्राइस ज़्यादा था, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस जो है 10 रुपये है, तो हम 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो भी है वो घटता जा रहा, उसी के साथ साथ हमारी जो भी डिमांड है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 2 रुपये पहुंचा प्राइस तो 500 यूनिट कंज्यूम होने लगी, 10 रुपये पहुंचा था तो 100 यूनिट ही कंज्यूम हो रही थी। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। और ग्राफ अगर जब भी कर्व की बारे में बात कर दी जाए कि डिमांड कर्व बताओ, तो डिमांड जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके का बनता है। यहाँ पर मैंने पहले का बनाया हुआ था, ये इस तरीके का हाथ का। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि अगर 10 है, अगर मान लो कि वही चीज़ है कि अगर 10 रुपये है किसी चीज़ का प्राइस, इधर प्राइस हो गया, इधर क्वांटिटी हो गया, ऐसे ही लिख देना कि अगर किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है तो उसकी जो भी क्वांटिटी होगी कम कंज्यूम होगी। लेकिन अगर 2 रुपये है किसी चीज़ का प्राइस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 500 यूनिट कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, इसका एक कर्व बना सकते हो, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये, क्या है, एक ये जो डिमांड शेड्यूल है ना, ये ग्राफिकल नहीं होता, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर लाओ इसको मैं सही कर दूँ, अभी कुछ पीपीटीज में कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये टेबल है, ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। देन इसके बाद में, और ये जो डिमांड कर्व की अगर जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्या क्या मतलब हुआ, कि जब भी डिमांड की डिमांड बढ़ जाए, सपोज दैट कि अगर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड पहले से बढ़ी हुई, पहले से लोग बहुत ही ज़्यादा फैशन में बहुत आगे हैं, एकदम उस अपना नए नए लोग कपड़े खरीदते हैं, नए शूज़ खरीदते हैं, और सपोज़ दैट कि शादी सीज़न आ जाए, या फिर एकदम से कोई फेस्टिवल आ जाए, होली दिवाली आ जाए, तो उसमें लोग और ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने लगेंगे। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व है वो उसकी डिमांड की डिमांड बढ़ गई, इसी को क्या बोला जाता है, उस डिमांड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। अब पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ डिमांड, जो भी अभी मैंने पहले आपको बता दिया कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ, जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी,
और जब प्राइस घटेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जो भी अभी मैंने पहले बताया वही सेम मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड में आपको वही चीज़ लिखनी है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ एक बेसिक अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस का मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फिक्स करनी या अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, वो चीज़ ये है कि नो चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, यानी कि कभी भी अगर टेस्ट और प्रेफरेंस में अगर किसी भी लोगों के चेंज नहीं हो रहा तब लाइक अगर आटा दाल की चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए तो वो तो खाना आदमी खाए बिना तो रहेगा नहीं ना, वो तो आटा तो है वो तो खाना ही पड़ेगा। देन इसके अलावा नो चेंजेस इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की साइज़ में चेंज नहीं हो रहा है और अगर लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं हो रहा और लोगों की इनकम में चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन इनकम, अगर मान लो कि लोगों की इनकम बढ़ गई और साथ ही साथ में प्राइस भी बढ़ गया तो लोग तो चाहे जितना प्राइस बढ़ जाए उनकी अगर इनकम बढ़ गई तो ऊपर भी खरीदने लगेंगे ना, तो लॉ ऑफ डिमांड यानी कि ये जो आपका लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया कि प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घटेगी और प्राइस घटेंगे और डिमांड जो मैंने बताया अभी आपको एक मिनट कि डिमांड प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घटेगी और जो प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ये चीज़ जो अगर मैंने बताया ये लॉ ऑफ डिमांड है और लॉ ऑफ डिमांड इन तीन केसेस में काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड इन तीन केसेस में काम नहीं करता है, ये अजम्पशंस हैं इसके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। और इसके अलावा कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या हैं, वो हैं कि जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी जैसे सॉल्ट हो गया, वीट हो गया, आटा हो गया, इसका कभी भी कितना भी प्राइस बढ़ जाए तो उसमें कभी भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। देन वेपलन गुड्स जैसे कि जिसको आप बात करें जाए जिसका कि कुछ अच्छा स्टेटस होता है, चाहे जैसे कि हम बात करें एप्पल के फ़ोन्स की या फिर अगर आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो उसके चाहे कितने भी प्राइस बढ़ जाएँ तो एक लोगों की स्टेटस की बात हो जाती है ना, तो उसमें फिर लोग मतलब कि दिखावा के पीछे या फिर अपने मतलब स्टेटस को शो करने के लिए वो चाहे कितना भी हो उसमें वो लोग उसमें जा करके वो खर्च करते हैं। देन इसके बाद में इनकम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो भी साथ में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो उसके साथ ही साथ में लोगों के पास में परचेजिंग पावर आ जाएगी, लोग खरीदने लगेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। देन इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसको आगे की चीज़ों को देखने से पहले हम चलते हैं अभी यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन जो भी मैंने बनाया, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं उसकी तरफ चलते हैं, देख लेते हैं हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया कि डिमांड के बारे में बताओ, उसके टाइप्स बताओ, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। देन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसके एजम्पशंस और एक्सेप्शंस के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब देख लो यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो किस तरीके से काम करती है, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से डिफरेंट होती है और इनका किस किस तरीके से कर्व बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या इसका यूजेज है, किस तरीके से इसका यूजेज है, तो आप सभी चीज़ें इसको देख लो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इसके बारे में बताओ, तो यहाँ पर देख लो, मतलब मे बी आपको अच्छे से नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आप फ़ोन में देख रहे होगे, अगर लैपटॉप में देखोगे तो सही से दिखाई पड़ेगा, नहीं तो आप जब भी PPT PDF खरीदोगे तो सही तरीके से मतलब उसको ले लोगे तो भी आपको सही से आपको मतलब उसमें भी दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि तीन टाइप की होती हैं, बेसिकली तीन टाइप की होती है बताया गया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो ये मेन तीन टाइप की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, और इसके अलावा दो टाइप और भी बताए गए हैं जिसको जो एक तरीके से जिनको आप एड ऑन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लिखना चाहो तो लिखना, वैसे बहुत ही कम पूछा जाता है और हालांकि दो नंबर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है, आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, फिलहाल मैंने पहले की वीडियोस में इसको बताया तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी किस किस तरीके से कर्व बनते हैं। अब देखो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी की बात होती है तो उसके फाइव कर्व बनते हैं, कितने कर्व बनते हैं एक मिनट, यहाँ पर जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसके फाइव ग्राफ बनते हैं,
फाइव ग्राफ बनते हैं, और इनकम सिटी के कितने बनते हैं, थ्री ग्राफ बनते हैं। तो अब हम देखते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताओ, तो आपको पांच चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी पांच चीज़ें ध्यान रखनी है? एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरा होता है यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा होता है, फिर चौथा होता है रिलेटिव इलास्टिक। देन होता है फिफ्थ नंबर पे रिलेटिव इन इलास्टिक। तो इस तरीके से आपका मतलब कि आपके फाइव अलग अलग तरीके के ग्राफ बनते हैं, और इनको ग्राफ को यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से पहले भी बताया होगा कि किस तरीके से आपको कैसा ग्राफ बनाना है। तो ये जो पहला ग्राफ बनता है वो उसमें कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे इसे आपको एक्स वाई इस तरीके से खींचना है और इस तरीके का बना देना है। ये हो गया आपका पहला परफेक्टली इलास्टिक। दूसरे ग्राफ में आपको क्या करना है, ये ऐसे ऐसे बनाना है और इस तरीके से इसमें पूरा लिखना है, मतलब ऐसे ऐसे केवल खींच के मत चले आना, यहाँ पर सब चीज़ें लिखना है कि ये जीरो, ये है जीरो, इधर एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पर सारे प्रॉपर नंबर बना करके अच्छे से आना है, ऐसे नहीं कि खींच करके केवल चले आए। तो ये हो गया, अगर आप ऐसे लाइन खींच रहे हो तो ये क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी प्राइस है वो क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका प्राइस है वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो क्या है, फिक्स है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और तीसरा सेकंड वाला क्या है कि परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका जो भी आपका ग्राफ है कैसे बनेगा, इस तरीके का बनाओगे एक्स वाई और ऐसे खींच दोगे ऐसे एक लंबा सा डंडा इसके बगल में। तो यहाँ पर क्या है कि इधर आपको क्या बताना है कि यहाँ आपका जो आपका प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो क्या है, वो फिक्स है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है, यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या होता है कि इसका कर्व किस तरीके का बनता है, ऐसे आपने बनाया और देन ऐसे एक लेटा हुआ ऐसे डंडा बना दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसमें हमको क्या हो रहा है कि इसमें हमको इक्वल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इक्वल चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस। देन इसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या है कि रिलेटिव इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरीके का आपको बनाना है, कुछ इस तरीके का बनाना है और देन ऐसे करना है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा ऐसे, ठीक है। और देन उसके बाद में रिलेटिवली इन इलास्टिक का जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे कर दोगे और देन ये आपका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस समझो, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, बना करके देखो, और पांच तरीके के आपको ग्राफ बनाने ही हैं अगर आपको ये आ जाए तो। और देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या अगर पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसका जो नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बताया जाता है कि जो इनकम है वो जैसे जैसे बढ़ेगी वो किस तरीके से आपकी डिमांड के ऊपर, आपके प्राइस के ऊपर आपको फर्क डालती, तो ये पूछा गया है। तो इसमें आपके तीन तरीके के कर्व आपके बनेंगे, यानी तीन तरीके के ग्राफ बनेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपका सबसे पहला जो आता है पॉजिटिव इनकम, यानी कि सपोज दैट कि आपकी जो डिमांड है, यानी कि अगर आपकी जो भी इनकम है वो एकदम से मान लो बढ़ गई, तो उसके साथ ही साथ में आपकी क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये चीज, यानी कि इस केस में क्या होता है कि व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन इनकम, यानी कि हमारी इनकम बढ़ रही है उसके साथ ही साथ में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो ये हो गया कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जन जीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि व्हेन एक्सपेंसेस डज नॉट रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, यानी कि हमारी जो इनकम है वो तो बढ़ी, हमारी जो इनकम है वो तो बढ़ रही है, इस तरीके का हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारी इनकम तो इस केस में बढ़ गई, लेकिन हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो बिल्कुल नहीं बढ़े, वो क्या है, उसी जगह पर फिक्स है। इसके बाद में क्या होगा, मान लो कि हमारी इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, मान लो कि हमारी इनकम हमको ज़रूरत उतनी की नहीं थी, मान लो हमको 20,000 मिल रहे थे तो हम 20,000 में अपना घर खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो सपोज दैट कि हमको 40 मिलने लगे, तो 40 में हमने सबसे पहले क्या हुआ कि 40 के हिसाब से हमने एकदम से अपने खर्चे के साथ में हमारे एक्सपेंसेस भी, यानी कि हमारे इनकम के साथ में हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। और इसके साथ में जीरो के साथ में क्या होगा, मान लो कि 40 के बाद में 60 हो गए, तो 60 में क्या होगा कि उस दर से हमारे जो भी खर्चे थे वो नहीं बढ़े, 60,000 जब हमारी सैलरी हो गई तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे जो खर्चे थे वो सेम रहे, लेकिन हमारी जो इनकम थी वो बढ़ गई केवल, ठीक है। और निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, मान लो हमारी सैलरी 80,000 हो गई, तो 80,000 के हिसाब से हमारे जो भी खर्चे थे वो क्या हो गए, बहुत ही कम हो गए। सपोज दैट कि हम 20,000 में अपना कहां घर चला रहे थे, 30,000-40,000 के हमको ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी और 80,000 हमको एकदम से मिलने लगा, तो हम उतना इस दर से हमारे खर्चे नहीं बढ़े, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो समझ गए, तो इस तरीके से आपको बनाना है, पुराने वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। देन आपका थर्ड पूछा जाता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बताओ, तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, तो इसके बारे में देख लेना, आर्क इलास्टिसिटी, देन एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। जब भी एडवर्टीजमेंट, ये थोड़ा सा समझ लो, कभी दो नंबर में पूछा जा सकता है, तो जब भी एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, यानी कि जब भी हम कभी भी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसको करने की वजह से जो भी आपका जो प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो भी चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसी में ऐड करके भी पूछ सकता है कि यूज़ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ इन डिसीजन मेकिंग में, तो ये सभी आप ध्यान रख लो, अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ ऐसा नहीं जो अलग से बताना हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आता है वो ये आता है नंबर में कि डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बताओ। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस बताओ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स और उसके टाइप्स बताओ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप सिंपल जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा, डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि हमको क्या करना है कि यानी एक तरीके का प्रिडिक्शन, यानी एक भविष्यवाणी करना है कि फ्यूचर में क्या चीज़ की डिमांड रहने वाली है, कितनी डिमांड रहेगी, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करो। तो यानी कि इट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि कैसा पिछला डाटा रहा, पिछले साल कितना बिका था, और गेस कर सकते हैं कि किस तरीके से इस बार की कितने की सेल होगी, कितना प्रोडक्ट सेल होगा हमारा। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हो सकते हैं, टाइप्स है, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्ट, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्ट, इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स हो सकता है। जैसे हमने क्या किया कि कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लिया, सर्वे का मेथड ले लिया, तो ये तो मतलब ये चीज़ बताई गई कि क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव दो तरीके के मेथड्स होते हैं, इसके अंदर भी इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लेना, सर्वे करके देखना, और ट्रेंड प्रोजेक्ट्स मेथड्स के थ्रू रिग्रेशन मेथड, अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं, जिससे कि आप डिमांड का फोरकास्टिंग कर सकते हो कि क्या फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी होगा वो सप्लाई एनालिसिस के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन खोलते हैं, यहाँ पर देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई के बारे में, यानी कि सप्लाई क्या होती है उसके बारे में बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताओ, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, इन डिमांड फंक्शन, इन सभी के बारे में देखा है ना, वैसे ही सप्लाई के बारे में भी है, सप्लाई क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं, सप्लाई के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सप्लाई एनालिसिस क्या होता है, यानी सप्लाई का क्या, तो सप्लाई का मतलब ये होता है कि सप्लाई मीन्स टू गिव और प्रोवाइड समथिंग, यानी कि किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की उसका फुलफिलमेंट करना, यानी कि सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि उस प्रोडक्ट को पहुंचाना कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक पहुंचाना, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सप्लाई इट टू कस्टमर, यानी कस्टमर तक किस तरीके से सामान पहुँचेगा, किस तरीके से सप्लाई होगा, ये चीज़ है। तो इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कमोडिटी प्राइस हो गया, और अलग अलग चीज़ें हैं। सप्लाई फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये इसका बेसिकली फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रख लेना, और यहाँ पर सब चीज़ें के बारे में सब कुछ बताया गया है। और इसी तरीके से जो सप्लाई, यहाँ पर जो सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई आपका ये बोलता है, आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है, इसका स्वभाव की एक बात आप सीधे से याद रखो कि जब आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। यानी जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या चीज़ देखी थी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा, आलू का अगर मान लो कि प्राइस 40 रुपये हो जाएगा, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आलू का अगर प्राइस जो है वो घट जाएगा, मान लो 20 रुपया हो गया, तो फिर उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड था, है ना, ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड था, ये डिमांड का लॉ था। लेकिन सप्लाई का लॉ क्या है, सप्लाई का लॉ सीधा सीधा चलता है कि अगर मान लो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी,
और अगर सप्लाई प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। तो प्राइस का क्या मतलब हो गया कि यानी कि अगर जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और अगर उसको कम प्रॉफिट हो रहा तो सप्लाई भी कम करेगा। सिंपल सी बात यह है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या हम बात कर रहे हैं, यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। तो प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, ये चीज के बारे में बताया गया। अब इसका कर्व किस तरीके का बनता है, ऐसा बनता है इस तरीके की, एक सीधी सी लाइन बस आपको खींच लेनी है। ये एकदम सिंपल सा इसका आपका वो है, ग्राफ है, और इसको प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, है ना, ताकि आपको याद जाए। वैसे तो एकदम सिंपल सा है, इसमें आपको देख लेना है, यानी कि देखो आपका एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है आपका यहाँ पर प्राइस है, और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर क्वांटिटी है। तो मान लो कि अगर यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है कि सप्लाई हो रही है, इधर क्या हो रहा है कि इधर आपका प्राइस है, इधर क्या है मान लो इधर आपका सप्लाई हो रहा है। तो अगर मान लो कि प्राइस आपका कम है, अगर आपका प्राइस कम है तो आपका सप्लाई भी कम होगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो आपका सप्लाई भी बढ़ गया। तो इस तरीके का कर्व इसका ग्राफ बनता है, इसको आप देख लेना। और ये आपका आता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल के अंदर हम इसकी क्या बात करते हैं कि टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने लॉ जो डिमांड शेड्यूल था उसको देखा था ना, टेबल के फॉर्म में देखा था। तो जैसे कि सप्लाई जो है अगर एक है, यानी कि प्राइस जो है वो अगर कम है तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, कम ही होगी। और अगर प्राइस एकदम से बढ़ गया, चार हो गया, तो वहाँ पर देखो सप्लाई भी क्या होगी, 20 हो गई, यानी बढ़ गई। तो इसी को हम टेबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ये डिमांड कर्व हो गया, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, और सप्लाई कर्व कैसे बनता है, इस तरीके का बनता है। तो यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये आप दो नंबर में पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का आप एक वो बनाओ, ग्राफ बनाओ, तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। देन इसके साथ में हमारा सेकेंड यूनिट भी ख़त्म होता है, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड यूनिट की, प्रोडक्शन और फंक्शन। थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया और मेरा भी मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को कम समझ में आता है, देर से समझ में आता है, दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुझे भी बहुत ही देर से समझ में आया था, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से समझा भी रहा हूँ, अपने तरफ से मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको अगर समझ में आए तो थोड़ा बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जो दिक्कत लगे उसको भी बताना, ठीक है। पिछली बार मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेन करने का वे में हम थोड़ा सा स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हो, इस वजह से मैं आज स्लाइड्स का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो जिसमें आपको कम्फर्टेबल लगे। अगर मुझे सही लगेगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके साथ में उसको शेयर करूँगा, उसी के साथ अप्लाई करूँगा। यहाँ पर देखो थर्ड नंबर पर क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बताओ, उसके टाइप्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये इसके सब के बारे में बताओ। तो हम लोग चलते हैं सीधे सीधे थर्ड यूनिट के ऊपर। थर्ड यूनिट में प्रोडक्शन के बारे में क्या बताया गया, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों। प्रोडक्शन का मतलब आप लोगों ने सिंपल सी समझा है ना, कि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो गुड्स की, यानी कि जो भी आप क्या करो, प्रोडक्शन का मतलब कि रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड तैयार कर रहे हो, यानी कि आपके पास में रॉ मटेरियल था उसका फिनिश्ड गुड तैयार कर रहे हो बेचने के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ सेलिंग द गुड्स, और यानी कि गेनिंग द गेटिंग द प्राइज, और यानी कि अपने प्राइस के लिए, और अलग तरीके की नो कि प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से आप जब भी इस तरीके से आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड को तैयार करते हो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड को तैयार करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की भी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हमने देखा है ना कि फैक्टर्स कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज, इन सब की चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसके फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस का क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट कितना हम इनपुट डाल रहे हैं और कितना आउटपुट हमको मिल रहा है। तो यानी कि इनपुट और आउटपुट का मतलब कि देखो
कई बार ऐसा होता है कि हम अपना इनपुट तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन हमको उस गति से यानी कि उस तरीके से हमको अगर अपना आउटपुट चेक करना होता है तो हमको उतना आउटपुट नहीं मिलता। सपोज दैट कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम बेसिकली बात करते हैं कि हमने कितना इनपुट दिया, हमने कितने लोगों को कितना लैंड कैपिटल और कितने लेबर को लगाया और कितना हमको रेवेन्यू जनरेट करके वो लोग दे रहे हैं। सपोज दैट कि एक मेरे पास में छोटा सा कमरा है और उसमें हमको कुछ भी बनाना है, ठीक है, यानी कि लाइक हम कुछ भी उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, तो उसमें मान लो कि कुछ भी एक छोटी सी चीज़ ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर हम अब सब्जी काट रहे हैं तो अगर हमको बहुत सारी मेरे पास में सब्जियां हैं तो अगर हम एक व्यक्ति सब्जी काटेगा ढेर सारी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। हमारे साथ में मान लो कि दूसरा व्यक्ति भी आ गया तो थोड़ा कम समय भी लगेगा, तीसरा आ गया तो और थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन चौथा जब आ गया है ना तो क्या होने लगा कि फालतू की बकवास होने लगी, यानी कि कमरा तो छोटा ही था और हमारे पास सब्जियां भी क्या थी, लिमिटेड थी। तो सब्जियां हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी कि अब क्या होने लगी, बकवास होने लगी, छोटा कमरा है और इसलिए हमारा कि उतना जिस गति से हमने इनपुट बढ़ाया उस गति से हमारा आउटपुट नहीं बढ़ा। इसके अलावा हमने मान लो क्या कर दिया, पाँचवा व्यक्ति भी भर दिया, छठा व्यक्ति भी भर दिया, तो इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी सब्जियां तेज़ी से कटेंगी, नहीं, और हमारी सब्जियों की गति जो हो जाएगी वो धीमी हो जाएगी, यानी कि इसमें क्या होगी, फालतू की बकवास भी होगी और जिस गति से हमने क्या किया, जिस स्पीड से हमने अपना इनपुट बढ़ाया उस स्पीड से हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ये समझ लो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि हमको जब भी हम देखते हैं ना कि हम कई बार क्या करते हैं कि लैंड कैपिटल और लैंड लेबर और कैपिटल को क्या करते हैं कि एक साथ में यानी कि उस तरीके से हम बढ़ाते हैं और हमको उतना आउटपुट मिलता है तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई, सपोज दैट कि एक लेबर था तो वो 1000 पार्ट बना रहा था, दो लोग आ गए तो 1800 बनने लगा, तीन लोग आ गए तो क्या होने लगा, 24 बनने लगा, चार लोग आ गए तो 2800 ही बना। देखो यहाँ पर से कितना सीधा सीधा बढ़ा, 800 पार्ट बढ़ गया, है ना, 800 पार्ट क्या हुआ था, बढ़ गया था। तो अब 2400 में से 1800 क्या हमने की, हाँ, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने जब पहले किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया था तो दो लोग मिलकर के 800 बना रहे थे, लेकिन तीन लोग मिलकर के 800 की स्पीड से ऐसे अगर बढ़ रहा था तो 800 की स्पीड से अगर बढ़ना चाहिए तो 2600 बनना चाहिए, है ना, 18 मतलब 3600 होना चाहिए, मतलब करीब दुगना हो जाना चाहिए। मान लो चार लोग लगा दिए जाते तो 3600 बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ कि 2400 बनने लगा, यानी कि 600 पार्ट्स ही जो भी थे वो बनने लगे। देन उसके बाद में हमने चौथा व्यक्ति भी लगा दिया तो केवल 400 के पार्ट्स जो भी थे उसकी केवल वो बढ़े, और पांचवें व्यक्ति को हमने लगा दिया तो केवल 200 पार्ट्स ही ज़्यादा बढ़े। तो यानी कि देखो जिस स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को तो बढ़ा दें, इनपुट्स को हम क्या कर रहे हैं, जिस स्पीड से बढ़ा दें उतने स्पीड से हमारे जो भी हैं आउटपुट्स क्या हो रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो उस स्पीड से हमारा जो भी है वो आउटपुट नहीं बढ़ा, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं हम इसका। यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में मैंने इसको दिखा दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, जब शॉर्ट रन में अगर बात करते हैं तो हमको प्रोडक्शन की जब भी बात करते हैं तो केवल हम लेबर्स को बढ़ाते हैं, तो लेबर्स को जब भी हम केवल बढ़ाते हैं, सपोज दैट कि अगर कोई मान लो मिठाई एकदम से फेस्टिवल सीज़न आया, मिठाई एकदम से ज़्यादा चाहिए, तो मिठाई जब ज़्यादा चाहिए तो अब जो भी दुकानदार है वो अपना कोई लैंड और कैपिटल थोड़ी ना बढ़ा देगा कि मशीन्स बढ़ा देगा ज़्यादा और ज़्यादा सारा, यानी कि एकदम से केवल रॉ मटेरियल और लेबर्स ही तो ज़्यादा बढ़ा सकता है कि पता चले उसने दुकान का साइज दुगना कर दिया या फिर बहुत बड़ी दुकान उसने खरीद ली, क्योंकि उसको जब भी लॉन्ग रन में उसको अपना वो देखना होता है कि लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ रही होती, तो लॉन्ग रन में अगर डिमांड बढ़ रही होती तो उसको उस तरीके से लैंड भी बढ़ानी होती, कैपिटल भी बढ़ाना होता, लेबर भी बढ़ाना होता। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर डिमांड बढ़ रही है केवल एकदम से, मान लो कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए है, जैसे फेस्टिवल सीजन में एकदम से मिठाई ज़्यादा बिकने लगी, तो उसमें केवल क्या होता है कि लेबर्स को लोग हायर करते हैं, रॉ मटेरियल को बढ़ा लेते हैं, बस इतना ही करते हैं, ये थोड़ी ना करते कि एकदम से अपनी दुकान का साइज़ बढ़ा कर। तो ये जब भी हम शॉर्ट रन में जब भी हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और जब भी हम लॉन्ग रन में बात करते हैं तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इस तरीके से दो तरीके की चीज़ें होती हैं और इसमें से आप ध्यान करके रख सकते हो। यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो ही चीज़ें बताई जाती हैं,
जो भी ये चीजें बताई जाती है किसके बीच में कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इसके बारे में बताओ, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जानते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या केवल करते हैं कि मान लो कि हमने क्या किया यहाँ पर, अपना स्टेज फर्स्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न और धीरे से निगेटिव होने लगा। इसमें मान लो कि हमारे पास में जो जगह है वो तो एकदम लिमिटेड ही है ना, यानी कि जो जगह है वो लिमिटेड है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक छोटा सा कमरा था उसके अंदर हम सब्जियां काट रहे थे, तो उसमें अगर मान लो एक व्यक्ति काट रहा था, दो व्यक्ति काट रहा था तो ठीक था, तीसरा आया तब पर भी ठीक था, लेकिन अब चौथा आ गया तो वो क्या होने लगा, एकदम फिक्स, यानी कि तीन लोग मिलकर के अगर मान लो एक घंटे में इतनी सारी सब्जियां काट रहे थे तो चौथा आया तो एक तब पर भी एक घंटे लगेंगे, पांचवा आया तो एक घंटे के यानी कि पांचवा आया तो पता चलना चाहिए कि जल्दी और जल्दी कट जानी चाहिए, लेकिन और भी ज्यादा देर होने लगी। तो इसमें क्या होने लगा कि इसमें धीरे धीरे आपका जो भी आउटपुट होने लगा वो घटने लगा। आप जिस दर से इनपुट तो बढ़ा रहे हो उस दर से आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये इस तरीके का आपका ग्राफ बनता है। तो ऐसे इसको ध्यान रख दो, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, जब आप बढ़ाते हो तो आउटपुट यानी कि इसमें आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है कि आपका डिमिनिशिंग होता है, देन थर्ड में क्या होता है, निगेटिव रिटर्न होता है, निगेटिव आपको देखना पड़ता है। देन इसके अलावा जब भी हम लॉन्ग रन में बात करते हैं, जब हम लैंड कैपिटल और लेबर तीनों चीज़ें बढ़ाते हैं तब पर भी हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इसको सबको मैंने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है, इसके तीन स्टेजेस जैसे हैं वैसे ही हैं, यहाँ पर इसको किस तरीके से बनाना है ग्राफ देख लो, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जल्दी से फास्ट से भगाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया, 13 नंबर कर लिया। अब 14 पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं, व्हाट आर द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मतलब इसको करके जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। कॉस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जितना कॉस्ट को हम क्या बोल रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा इनपुट के अंदर लगा रहे हैं, जितने ज़्यादा चीज़ों की हम मतलब जो भी चीज़ें इनपुट्स के अंदर लगाते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट। एक होता है कॉस्ट, दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो कॉस्ट में क्या सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, चाहे वो हम मैन जो भी हमारी मैन पावर उसको कितना हम पेमेंट दे रहे हैं, इसके अलावा जो भी एक होती है हमारी कि मशीन्स को हम कितना खरीद करके लेकर के आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और भी जितनी अलग अलग सी कॉस्ट लग रही जो कि पूरी कंपनी के अंदर लगती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि आपको रेंट है और ये सभी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो तो सब पे करनी है, ठीक है, तो इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। देन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो कि कई बार आपको वेरी करती है टाइम टू टाइम, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर कम यूज़ करोगे तो कम आएगा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा आएगा, रॉ मटेरियल है, तो ये सभी चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, देन इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, अलग अलग तरीके की आती हैं, इसमें से आप केवल यहाँ तक आप याद कर लो, ठीक है। एवरेज, टोटल और केवल इतनी भी याद करोगे, दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच तक भी याद करोगे तो पर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉस्ट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आउटपुट्स ये लिखे हुए हैं, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, जैसे 240 है तो वो सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगी वो वेरी करेगी, यानी कि कई बार कम होगी, कई बार ज़्यादा होगी, कुछ प्रोडक्ट्स की अलग अलग होगी। देन टोटल की अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम टोटल और फिक्स को प्लस कर देते हैं तो वो हमारी टोटल आ जाती है, तो ये चीज हो गया। जब भी हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले, यानी कि जो भी हमारी टोटल, जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो भी एवरेज, इस तरीके का जो भी पूरा टेबल है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीपीटी पीडीएफ ले लेना, ठीक है, व्हाट्सएप करके, ठीक है। ये इस वजह से मैं नहीं बोल रहा क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर अच्छे से अगर इसका तैयार करके जाओगे तो आपको नो कि आपको एकदम प्रॉपर वे में आप आंसर लिख पाओगे, ऐसे ही टेबल वगैरह बना करके आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं, जितना भी टेबल बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं बनाओगे तो इसमें मार्क्स कटते भी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ही क्या होता है कि लोगों की बैक लगती है, मैं ये चीज़ डरवा नहीं रहा, बट हाँ, जो रियलिटी है उसको भी बता रहा हूँ।
तो ये चीज़ है। अब कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो जो भी मैंने बताया था ना, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। तो लॉन्ग रन के जो भी आउटपुट्स होते हैं और जो भी शॉर्ट रन के जो भी आउटपुट्स होते हैं, ऐसा उसका रिलेशनशिप बताया गया। देखो जहाँ पर इसका स्माइली फेस बनता है, जैसे कि अगर हमको लॉन्ग रन में हमको जो भी कॉस्ट को लगाना है, लॉन्ग रन में जो भी लगाना है, तो उसका इस तरीके के लंबा जो बड़ा वाला इसका स्माइल बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लॉन्ग रन वाला है। और शॉर्ट रन में वाला क्या है कि ये छोटे छोटे बन रहे हैं, तो ये शॉर्ट रन में है। इसके अंदर जो भी कॉस्ट लग रही थी ये शॉर्ट के लिए है। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप के बारे में बताओ। तो ये क्या है, बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप हैज़ टू एस्पेक्ट्स, शॉर्ट रन आउटपुट देन लॉन्ग टर्म कॉस्ट आउटपुट। तो इस तरीके से इसका आपका ये बनता है, इसका डायग्राम आप मान लो या फिर इसको आप ग्राफ मान लो, तो ये बनता है। तो ऐसे इसको कर लेना, एस्टिमेशन इसका कैसे करते हैं। देन रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू के ऊपर आ जाते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, अब प्रेजेंटेशन में जब जाएंगे हम अपना तो देखेंगे। यहाँ पर कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया। आप देखो यहाँ पर आपका रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू के बारे में बताओ। रेवेन्यू क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज मार्जिनल और एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप बताओ विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, देखो बेसिकली रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू जो भी हमको टोटल जो भी हमारी इनकम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू। कॉस्ट का मतलब जो भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं, जो भी हमारा जितना भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, है ना। तो वो हो गया हमारा कॉस्ट। और जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में हमारा क्या होगा कि जो भी हमारी इनकम आ रही, तो ये चीज़ हो गया। तो टू पुट इट मोर, यानी कि इसको और सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि व्हाट इज़ योर इनकम, जो भी आपकी इनकम है, एंड व्हाट एवर यू आर अर्निंग इट इज़ योर रेवेन्यू। ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। अब टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब हो गया, टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब हो गया, ये बेसिकली तीन तरीके के रेवेन्यू आपके यहाँ पर बताए गए हैं, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, जब भी हम मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू अलग है, बट यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, वो आपका ये हो गया कि आपने प्राइस आपकी कितने हैं और साथ में क्वांटिटी आपकी कितना है, तब आपका जो भी होता है वो टोटल रेवेन्यू निकल कर के आ जाता है। यहाँ पर देखो नीचे इधर से आपका टेबल बना हुआ है इसका, जिसमें आपका ये टोटल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये होती है मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ये इस तरीके से इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से बताया था, तो अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो यहाँ पर देखो रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू, इसका किस तरीके से ग्राफ बनता है, ये इस तरीके का बनता है। देन अब हम आते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। यहाँ पर जो भी हम रॉ मटेरियल्स, जो भी फिनिश्ड गुड तैयार कर, उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो अब टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर मैंने उसका उसका डायग्राम बनाया है, TPMP और AP के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये इस तरीके का कुछ एक ग्राफ बनता है, इसको अगर मैं अभी समझाने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस अभी मैं केवल के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो जाकर के, Unit 4th वाला वीडियो आप देख लो जाकर के, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, Unit 3rd वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। Unit 4th पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। Unit 4th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम ये भी है कि मार्फोलॉजी के नाम से भी इसको आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन किस इस तरीके से आ सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि आपका जो भी आपका ये लिखा है ना, कि एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर्स मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताओ या फिर मार्केट मॉर्फोलॉजी कैन बी डिफाइंड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए, फिर मार्केट मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछा जाए, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मार्केट का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर बायर और कंज्यूमर क्या है, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, यानी कि जहाँ पर बायर और सेलर दोनों लोग इंटरेक्ट करते हैं और
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और जो वैल्यू होती है वो इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होती है उसको काउंट कर दी जाती है। तो ये क्या हो गया, मार्केट हो गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक कि कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ बायर हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। देन इसके अलावा नंबर एंड साइज ऑफ बायर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कितना क्या मतलब मार्केट के अंदर क्या एंट्री और एग्जिट करने का क्या 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 सिस्टम है इस तरीके का। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर का अगर ग्राफ इस तरीके का बनाएं तो यहाँ पर देखो दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है परफेक्ट मार्केट होती है, दूसरी होती है कि इनपरफेक्ट मार्केट होती है। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है कि परफेक्ट मार्केट के अंदर मतलब सब चीज़ें क्या होती हैं, परफेक्ट होती हैं, यानी कि जैसा नेम से ही सजेस्ट हो कि परफेक्ट मार्केट के अंदर सारी चीज़ें क्या हैं कि एकदम मतलब परफेक्ट है, यानी कि मार्केट सिचुएशंस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं, एंड डीलिंग विद इन अ हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स और अलग अलग तरीके से होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और एक तरीके का ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल ले लो तो अलग अलग, जैसे आप देखते होगे कि जो भी आपकी मेडिकल स्टोर्स हो गए हैं ना, तो देखो अगर जब दवाई मार्केट वगैरह है जहाँ पर जाओ तो सेम प्राइस के अंदर आपको हर एक तरीके की सेम ही मेडिसिन आपको देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परफेक्ट मार्केट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद में इन परफेक्ट मार्केट की बात करें तो जहाँ पर क्या होता है कि शायद हो सकता है कि एक ही बेचने वाला हो या फिर एक खरीदने वाला हो या फिर इस तरीके का सिचुएशन कभी भी जब भी आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन परफेक्ट कंपटीशन या फिर इन परफेक्ट मार्केट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मोनोपोली का क्या मतलब हो गया कि जब केवल एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति क्या हो, बेचने वाला हो। जैसे कि आप देखो कि कई सारी जगह पर आप देखो, जैसे रेलवे की मोनोपोली है, एयरलाइंस की मोनोपोली है, कोई ऐसा चाहे कितना भी अमीर हो जाए ये नहीं सोचने लगेगा कि मैं खुद की अपनी रेलवे, यानी उसका इंडियन रेलवे है तो मैं कुछ और रेलवे का भी उसको बनाऊंगा और फिर वहाँ से मैं अपनी प्राइवेट रेल चलाऊंगा या ना ट्रेन चलाऊंगा, इस तरीके से कोई नहीं सोच सकता। तो मोनोपोली का मतलब कि जहाँ पर केवल एक सिंगल सेलर है तो वो क्या है कि उसको उसकी मोनोपोली है। देन उसके बाद में आपसे ये चीज़ यहाँ पर से देखो कि एक होता है प्योर कंपटीशन जो आपका परफेक्ट मार्केट होता है, देन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, इसके बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। मोनोपोली का मतलब है जहाँ पर एक ही सेलर है, यानी कि बेचने वाला क्या है, एक ही है। और यहाँ पर क्या होता है ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि बेचने वाले कुछ ही लोग होते हैं, जैसे कि और कुछ लोग होते हैं और वो अच्छी खासी चीज़ों के साथ में डील करते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप्स की अगर ले लो तो कुछ ही वेराइटीज़ आती हैं, है ना, और अगर आपके सिम कार्ड्स की बात करें तो केवल देखो कुछ ही चीज़ें आती हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, है ना, VI जिसको आप बोल रहे हो, या फिर कुछ ही लोग, इनमें से आपको कोई कुछ एक चूज़ करना होगा, बस इससे बाहर आप नहीं जा सकते। देन इसके बाद में मोनोपोलास्टिक के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि बहुत सारे खरीदने और बेचने वाले होते हैं, बट उनका जो प्रोडक्ट जो भी होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि अगर कपड़े की दुकानों की बात करें, हेयर ड्रेसर्स की बात करें, होटल्स की बात करें और रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो देखो मार्केट के अंदर कितने रेस्टोरेंट हैं, कितने होटल्स हैं, और उसको कंज्यूम करने वाले, उसकी सर्विसेज को अभी अवेल करने वाले भी अलग अलग हैं, और उनके यहाँ के यानी कि जो भी प्रोडक्ट देते हैं या फिर जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी अलग है, तो उसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी मोनोपोली क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। और देन इस तरीके से हमारा यूनिट 4 हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया। देन नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाता है यूनिट 5 से, नेशनल इनकम के बारे में बताओ, तो टोटल इनकम ऑफ द नेशन, यानी कि जो भी आपकी इनकम, जो भी आपकी पूरे नेशन की टोटल इनकम है उसको ही आप क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ द, यानी कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको मेजर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसको मैंने बताया था, GDP एंड GNP हो गया, देन इसके अलावा NDP हो गया, NNP हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, GDP यानी कि नॉमिनल एंड रियल GDP, इस तरीके से अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं इसको मेज़र करने की। तो ये देख लो, और इसको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, लिमिटेशन है। अगर कोई एक क्वेश्चन आप तैयार करो तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करो, उसके बारे में सब कुछ तैयार करो, जैसे नेशनल इनकम तैयार करो तो सब कुछ अच्छे से तैयार करो, उसके मेथड्स भी तैयार करो, उसके जो भी लिमिटेशन हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करो, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि
नेशनल इनकम के बारे में बताओ, उसके डिफिकल्टीज के बारे में बताओ, तब पर भी आप लिख लो। नेशनल इनकम के बारे में बताओ, उसके मेथड्स के बारे में बताओ, तब पर भी आप लिख लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, दूसरा है वो ये है कि बिज़नेस साइकिल के बारे में बताओ। तो बिज़नेस साइकिल के दोस्तों, बिज़नेस साइकिल का क्या मतलब होगा कि जो एक बिज़नेस साइकिल होता है, यानी कि जब भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी, यानी कि जब भी हम बिज़नेस साइकिल की बात करते हैं ना, तो हमारे 6 स्टेजेज आते हैं। तो ये बिज़नेस साइकिल का आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनता है, और इसमें 6 स्टेजेज होती हैं, होती बेसिकली 4 ही हैं, बट आपको 6 का नाम यहाँ पर बताना है। तो 6 में से आपको जो सबसे पहला आता है, एक मिनट, वो आपका क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब समझ लो, जब भी आपका ग्रोथ हो रहा है, देन उसके बाद में पीक, पीक पे पहुंचना, देन पीक पे रिसेशन आता है ना, जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एकदम से बढ़ जाती हैं, प्राइस आपका बढ़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट लोग कम खरीदने लगते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम होगी, तो रिसेशन आता है, देन डिप्रेशन आता है, देन उसके बाद में ट्रॉथ आता है, देन उसके बाद में 6 नंबर पे आता है कि रिकवरी, यानी कि आपका जो भी आपकी फर्म वगैरह उसकी रिकवरी। तो ये 6 स्टेजेस हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो देख लेना जा करके, और जहाँ से भी अच्छा लगे आपको समझ में आए इसके बारे में देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल का, तो ये भी ध्यान रखना। देन इसके बाद में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मतलब यूनिट 5 में से ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि आपके आते ही आते हैं, तो इसको क्यों ना मतलब कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, नहीं सारे अच्छे से कर सकते हो तो इनमें से आप, मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता देता हूँ कि पहले हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बेसिकली हम 3-4 पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि विदाउट सेविंग, यानी कि सबसे पहला आता है कि विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि दो, जब भी हम यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जब भी हमारी फर्म्स होती है और हम जो भी हमारे हाउस होल्ड्स के जो भी बात करते हैं, तो देखो अगर हम जो भी फर्म्स होती हैं, जो भी बिजनेस होते हैं ना, इंटरप्राइजेज होती हैं, या फिर जो भी कंपनियाँ होती हैं, तो कंपनियाँ क्या करती हैं, हमसे ही पैसा लेती हैं, जैसे कि हमसे पैसा लेती हैं, हमारा ही यूज़ करती हैं, जैसे लेबर को लगाया, या फिर हमसे ही क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, हमसे पैसा लिया, हमसे रेंट में कोई चीज़ उधार लेकर के, ज़मीन उधार लिया, या फिर हम ही लोगों से काम करवाया और सामान निकलवा करके उसके बदले में हमको क्या दे रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टू सेक्टर इकोनॉमी हो गई। देन इसके बाद में 3 सेक्टर इकोनॉमी आती है, इसमें क्या आ जाती है, बीच में बैंक आ जाती है। तो ये बैंक लोग क्या कर देती हैं कि बेसिकली पब्लिक से क्या करती हैं कि ये लोग पब्लिक से क्या करती हैं, पैसा लेती हैं, ठीक है, उस बदले में उनको इंटरेस्ट देती हैं, और इसके बदले में जो भी बिजनेस फर्म्स होती हैं उनको लोन देती हैं। तो लोन यहाँ पर मतलब कि जो भी बैंक वगैरह है, फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये क्या कर देती है, बीच में इंटर हो जाती है। देन हम 3 सेक्टर इकोनॉमिक में किसकी बात करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात भी करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट भी आ जाती है, अभी अपना बीच में आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, कुछ टैक्सेस वगैरह को लेती है, और बदले में हमको कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, यानी कि बिज़नेस फॉर्म से क्या लेती है, टैक्स वगैरह लेती है, और हमको क्या बदले में सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया है ना, और अलग से महंगाई भत्ता, सॉरी मतलब अलग अलग तरीके की ना, कि कुछ बेरोजगार लोगों को पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो भी होती हैं सुविधाएं प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट। देन 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि हाउस होल्ड्स भी रहते हैं, जो भी बिजनेस बैंक होती है वो भी आ जाती है, और जो भी बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वो तो होती हैं, गवर्नमेंट भी होती है, इसके अलावा फॉरेन की कंपनीज भी आ जाती हैं। तो ये 4 लोगों की जब इकोनॉमी होती है तो उसमें बात करते हैं। देन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के बारे में बताओ, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि महंगाई होता है, तो महंगाई जिसको भी हम बोलते हैं, महंगाई इज अ स्टेट, यानी कि इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ कंपनी इज फॉलिंग, वैल्यू ऑफ मनी, मेरे मुंह से जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ वो निकल कुछ रहा है और मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग वाइल प्राइजेज आर राइजिंग, यानी कि जब हमारे प्राइस जो भी होते हैं वो बढ़ते हैं और वैल्यू क्या होती है मनी की, वो घटती है, जैसे कि 500 रुपये की वैल्यू आज उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, तो हमारे प्राइस क्या हो गए, वो किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि जो 5 रुपए की टॉफ़ी मिलती थी, जो 2 रुपए की टॉफ़ी मिलती थी वो आज 5 रुपए की मिलती है, ठीक है, और इसके अलावा जो पहले के समय में
100 रुपये में सामान आ जाता था, वो आज के समय में 100 रुपये के अंदर सामान नहीं आता, तो उसकी वैल्यू घट रही है जबकि प्राइस बढ़ रहा है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगने वाला जब भी इन्फ्लेशन होता है धीरे धीरे एकदम करते तो उसको क्रीपिंग। वॉकिंग में क्या होता है, जब भी 3-4% के हिसाब से जब महंगाई बढ़ती तो वो वॉकिंग हो गई। रनिंग का मतलब क्या हो गया कि जब वो एकदम से बढ़ने लगे 5-9% इन अ ईयर। जब ग्लोपिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है कि 10% और मोर, यानी कि 10% और मोर के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। और जब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, जब डबल एकदम, मान लो कि इस साल कोई भी प्रोडक्ट है वो आपका 20 रुपये में है और अगले साल वो 40 रुपये में अगर बिकने लगे तो वो क्या हो गया कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। तो ये चीज़ हो गया, तो इसको हम इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, इसके टाइप्स बोल रहे हैं और इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि इसके यानी इसको इफेक्ट करते हैं, इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, किस किस वजह से महंगाई बढ़ सकती है, तो ये भी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसी के साथ में, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर से 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आप क्वेश्चंस तैयार कर लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये पहला वाला जैसे मैंने यूनिट 5 में बताए थे ना 3, 4, 5, तो नेशनल इनकम वाला तो करना ही है, देन बिजनेस साइकिल वाला भी करना है, और तीसरा आप इन्फ्लेशन वाला कर लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लो तो ऊपर भी आप मतलब कि इन तीनों चारों में से 3 में से आपको कोई ना कोई कल आपको देखने को मिल जाएगा, परसों जब भी आपका पेपर होगा तो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और पुराने वीडियो सारे देख लो जा करके, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। आपके पास में अभी 1-2 दिन का समय है तो मैं अभी वीडियो को पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आए तो उसको भी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वीडियोस तो देखते हो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि अभी आगे हम लोगों को यू नो कि बहुत सारी चीज़ों को देखना है तो आपके पास में भी नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो ये चीज़ है, बस इतनी सी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट।